बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं कंसंट्रेशन सेल के बारे में। तो चलो देखते हैं कंसंट्रेशन सेल क्या है और इसके बारे में कैसे हम लोग चर्चा करेंगे। कंसंट्रेशन सेल कंसंट्रेशन सेल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसा नाम ही है कि कंसंट्रेशन डिफर करना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोड सेम होगा, इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा, लेकिन कंसंट्रेशन डिफर करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक मेटल राड ले रहे हैं, जिंक राड मान लो ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज करो जिंक राड ले लेते हैं, तो वही जिंक राड यहाँ पर भी होगी, मतलब कैथोड भी जिंक होगा, एनोड भी क्या होगा, जिंक होगा। ये देखें, ये यहाँ पोटेंशियोमीटर, ये साल्ट भी, बाकी सारी कहानी जो आपने गैल्वानिक सेल में पढ़ा है वही सारी कहानी होगी। ये यहाँ पर मान लो ये जिंक राड है तो ये भी जिंक राड ही होगी, ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा, कैथोड होगा और ये एनोड होगा। यहाँ पर ये जिंक सल्फेट, ये भी जिंक सल्फेट। यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ पर कंसंट्रेशन C2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, रिप्रेजेंटेशन पहले देखा जाए, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर जिंक एनोड है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर जिंक कैथोड है, उसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कर देंगे। यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन C1 है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 हो जाएगा, एक पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर आपको बताया नहीं गया, कंसंट्रेशन सेल अगर आपसे पूछे कोई क्या है तो आप क्या कहना चाहेंगे कंसंट्रेशन सेल के बारे में, तो यहाँ पर आप कहेंगे सेल इन व्हिच बोथ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर सेम बट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। तो यहां पर इलेक्ट्रोड सेम होंगे, इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा, कंसंट्रेशन डिफर करेगा, ये हो गया। दूसरा पॉइंट, नो नेट सेल रिएक्शन इज ऑब्टेंड, नो नेट सेल रिएक्शन इज ऑब्टेंड इन कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में कोई नेट सेल रिएक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर जिंक, ये जिंक डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जिंक डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जिंक हो गया, ये एनोड और ये कैथोड यहाँ पर। अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया जाए तो कैंसिल हो जाएगा, ये जिंक डबल प्लस कैंसिल हो जाएगा, जिंक जिंक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नो सेल रिएक्शन,
यहाँ पर कोई सेल रिएक्शन नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखा जाए, ई नॉट सेल फॉर कंसंट्रेशन सेल इज जीरो। यहाँ पर ई नॉट सेल जीरो होगा, कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल जीरो होगा। कारण पूछा जाए, यहाँ पर ध्यान दो, कारण हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड। अब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जब ये प्लस लिखते हैं, मान लो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस एक्स वोल्ट है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो दोनों वैल्यू मिल के क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ई नॉट सेल जीरो होता है। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट सेल नहीं, ई सेल। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड अपान कैथोड। ये एनोड अपान कैथोड आप लोग लिखते हो। अब यहाँ पर एनोड का कंसंट्रेशन ये C1 आपने लिखा था और कैथोड का कंसंट्रेशन आपने C2 लिखा था। अब ये चीज अगर हम लोग देखें, हियर ई नॉट सेल इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ई नॉट सेल जीरो होता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई सेल इक्वल टू जीरो माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग C1 अपॉन C2। ये हो जाएगा, ये जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये साइन बदल दे तो इधर वाला C2 ऊपर हो जाएगा और C1 नीचे हो जाएगा। ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन, यहाँ पर लॉग C2 अपॉन C1 हो जाएगा। ये नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ई सेल यहाँ पर लॉग C1 अपॉन C2 अपॉन C1 ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर y इजकल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर करें, y इजकल टू mx प्लस c से, तो यहाँ पर c की वैल्यू जीरो है, ये जीरो है, मतलब ये इंटरसेप्ट है जो जीरो है। यहाँ पर y और x के बीच में ग्राफ खींचा गया है, ये m यहाँ पर स्लोप होगा, ये m स्लोप है। तो स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप के पहले जो यहाँ पर लिखा गया है 0.059 अपॉन n लिखा गया है, ये स्लोप हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर C2 और C1 बराबर कर दिया जाए, ये C2 यहाँ पर C2 लिखा गया है और यहाँ पर C1 दोनों बराबर हो जाए, मान लो एक हो जाए, तो C2 C1 बराबर हो जाने पर कैंसिल हो जाएगा, लॉग एक आ जाएगा, लॉग एक की वैल्यू जीरो होती है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, इफ C2 इज इक्वल टू C1 देन ई सेल इक्वल टू जीरो और प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर होगा। यहाँ पर
इफ सी टू ग्रेटर देन सी वन, सी वन से ज़्यादा है, देन ई सेल ग्रेटर देन वन या जीरो या पॉजिटिव होगा। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पर थर्ड, इफ सी टू लेस देन सी वन, सी वन देन ई सेल ये नेगेटिव होगा। प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। थर्ड नोट करके यहाँ पर इन केस ऑफ प्रेशर नर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग पी वन अपॉन पी टू, ये चीज ये हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इफ P1 इक्वल टू P2, E सेल 0, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, इफ greater than P2, E cell positive, process is spontaneous, process is spontaneous। यहाँ पर if P1 less than P2, E cell negative, process is non-spontaneous। प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये हो जाएगा। चलो भैया, तो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। अब आपके दिमाग में अगर चल रहा हो कि यहाँ पर ध्यान दें कि कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कंसंट्रेशन के केस में सी टू सी वन से ज़्यादा होगा तब ये ई सेल पॉजिटिव होगा, लेकिन प्रेशर के केस में P1 ज़्यादा होगा तब E सेल पॉजिटिव होगा। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों है तो ध्यान रखना, ये चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो हम इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्यों ऐसा है। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग लिखें। वास्तव में कंसंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट साइड का लेते हैं तो प्रेशर प्रोडक्ट साइड का लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा इसलिए है कि कंसंट्रेशन अगर हम लोग, ये कंसंट्रेशन जो है अगर ये रिएक्टेंट साइड का है तो ये प्रोडक्ट जो है प्रेशर प्रोडक्ट साइड का है, इसलिए उल्टा हो गया है।
यहाँ पर अभी आप समझेंगे कि क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं सेल, यहाँ पर ये प्लेटिनम हाइड्रोजन, यहाँ पर वन एटमॉस्फेयर, यहाँ पर वन प्लस, यहाँ पर मान लो सी वन है, यहाँ पर एच प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर पी वन लिखते हैं, नॉट वन एटमॉस्फेयर, दिस इज पी वन, ये पी वन है, और यहाँ पर पी टू लिख रहे हैं, ये प्लेटिनम। अब यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखा जाए, ये एच टू, यहाँ पर ये हो जाएगा टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये प्रेशर पी वन लिख रहे हैं, यहाँ पर टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर प्रेशर एच टू लिख रहे हैं। अब इसको अगर जोड़ा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पी वन एच टू, और ये बच रहा है पी एच टू, पी टू एच टू, तो यहाँ पर ध्यान दें। अब अगर हम लोग इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर भैया ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट, मतलब पी टू अपॉन पी वन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ई नॉट सेल तो जीरो हो जाएगा, ई नॉट सेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, और तो ई सेल हो जाएगा यहाँ पर माइनस 0.059 अपान एन लॉग पी टू अपान पी वन, यहाँ पर ई सेल यहाँ पर 0.059 अपान एन लॉग पी वन अपान पी टू। अब ये ध्यान दो, यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर अगर P1 P2 से ज़्यादा है तभी E सेल पॉजिटिव आएगा, इफ़ P1 ग्रेटर देन P2 देन E सेल इज पॉजिटिव, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड ई एम एफ ऑफ गिवन सेल, यहाँ पर पी टी एच टू वन एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एच प्लस 10^-6, यहाँ पर एच प्लस 10^-4, ये एम है एम, यहाँ पर एच टू वन एटमॉस्फेयर, यहाँ पर पी टी। यहाँ पर एच टू टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ई सेल यहाँ पर 0.059 अपॉन वन लॉग सी टू अपॉन सी वन, सी टू अपॉन सी वन, तो 0.059 अपॉन वन हो जाएगा
लॉग यहाँ पर 10^-4, यहाँ पर 10^-6 हो जाएगा। अभी -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, 0.059/1 लॉग 8^10 आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा 0.059, यहाँ पर 2 लॉग 10, तो ये आ जाएगा 0.118 वोल्ट, ये हो जाएगा ई सेल। ये हो जाएगा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट पीएच ऑफ एनोड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल विल बी 0.59 वोल्ट। यहाँ पर पी टी एच टू एक एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एच प्लस यहाँ पर 1 एम, यहाँ पर H2, वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर, यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे E सेल इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए 0.059/1 लॉग C2/C1, तो यहाँ पर ये दिया गया है 0.059/1 लॉग 1/H+, यहाँ पर 0.059 लॉग 1/H+, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा और ये लॉग 1/H+ आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, तो अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो 10 - log H+, यहाँ पर 10 बराबर यहाँ पर pH, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। Predict the correct answer.
ई सेल इक्वल टू जीरो, ई सेल पॉजिटिव, ई सेल नेगेटिव, ई सेल कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। यहां पर ध्यान दें ऊपर वाले में एच सी एल, इन एच सी एल एच प्लस इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा, सी अल्फा सी एक है, अल्फा भी एक है, यहां पर एक आ जाएगा। इन एस्टिक एसिड एच प्लस इक्वल टू सी अल्फा, सी एक है, अल्फा की वैल्यू लेस देन वन है, तो यहाँ पर एच प्लस जो है ये लेस देन वन आएगा। अब यहाँ पर सी टू, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग जानते हैं ई सेल यहाँ पर 0.059 अपान एन लॉग सी टू अपान सी वन, सी टू की वैल्यू लेस देन वन है और सी वन की वैल्यू वन है, ये वन है, तो एज सी टू इज लेस देन सी वन सो ई सेल इज नेगेटिव, ये ई सेल नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एम्स में पूछा गया था, एम्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए के एम देख के और ए के एम देख के सी टू सी वन बराबर हो गया तो ये वैल्यू आ गई, ऐसा नहीं है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो हम लोग कंसंट्रेशन सेल पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर एक कंटेनर होता है जिसमें दो रॉड डिप होते हैं, यहां पर दो रॉड डिप होते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया था, मान लो आपने NaCl लिया है, यहाँ पर ये एनोड होता है जो पॉजिटिव होता है, पहले लिखा दिया गया है, यहाँ पर कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यहां पर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये चीज पीछे लिखा जा चुका था, ये हो गया। अब यहाँ पर जब करंट फ्लो करती है तो ये अपोजिट जो आयन हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर डिस्चार्ज होंगे, जैसे Cl- पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ देगा,
तो ये Cl में बदल जाएगा। अब Cl के रूप में नहीं रहेगा तो दो Cl आपस में जुड़कर Cl2 बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए ये इधर आएगा, और अब ये Na+ क्या करेगा, इसको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था कैप्चर करके Na में बदल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलती है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड से एनोड की तरफ करंट चल रही है। ये एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल में ये ध्यान दो, ये Cl- गया है एनोड की तरफ, तो Cl- एनोड की तरफ गया है तो माना जाएगा कि कैथोड से एनोड की तरफ गया है। कैथोड से एनोड की तरफ क्या गया, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन, और कैथोड से मतलब ये पॉजिटिव गया है कैथोड की तरफ, ये ध्यान दो सोडियम प्लस गया है, सोडियम प्लस गया है कैथोड की तरफ, तो एनोड से कैथोड की तरफ माना जाएगा, तो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन के चलने की डायरेक्शन में करंट चलती है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस करंट लिख सकते हैं, पॉजिटिव आयन प्लस करंट, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, तो ये हो जाएगा इंटरनल सर्किट। अगर आपसे कहा जाए इंटरनल सर्किट में क्या होगा तो आप बताएंगे ऐसे ही जैसे आपको समझाया जा रहा है, इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट में कि एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन और करंट चलेगा, और कैथोड से एनोड की तरफ नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन चलेगा। यहाँ पर नोट करके हम आपको एक पॉइंट बताना चाहेंगे, इफ एनी इलेक्ट्रोड इज विड्रॉन देन बोथ आयन start moving randomly, start moving randomly। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मान लो एनोड को विड्रा कर ले तो कैथोड कैथोड की तरह कार्य करेगा, नहीं, जब दोनों रॉड होंगी तभी इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये सेकेंड पॉइंट, ऑब्टेन्ड एट एनी इलेक्ट्रोड नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस depends
अपान पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी इतने फैक्टर पर डिपेंड करेगा. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यहां पर देखें, जब तक हम लोग नहीं कहेंगे तब तक आप इनर्ट इलेक्ट्रोड मानेंगे. जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक इनर्ट इलेक्ट्रोड मानेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. यहाँ पर अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पहला फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl या मोल्टेन NaCl कहेंगे. तो यहाँ पर ध्यान दो NaCl यहाँ पर फ्यूज्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर Na प्लस बन जाएगा, यहाँ पर Cl माइनस बन जाएगा. अब Cl माइनस डिस्चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एनोड पर और उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा सोडियम, ये डिस्चार्ज होगा कैथोड पर. कहने का मतलब अगर फ्यूज्ड या मोल्टेन NaCl ले रहे हैं तो आपको एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर क्या मिलेगा भैया, सोडियम मिलेगा. NaCl एक्वस यहाँ पर ध्यान दें, NaCl एक्वस की चर्चा करें. यहाँ पर NaCl ले रहे हैं, एक्वस का मतलब वाटर ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर Na प्लस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा और OH माइनस बन जाएगा. यहाँ पर ध्यान दें, अब दो ये दो कैटायन बन गए और दो एनायन बन गए, इसमें H प्लस डिस्चार्ज होगा और इसमें Cl माइनस डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर 2Cl माइनस लेंगे. अब आप सोचेंगे यहाँ पर बन एक रहा है और ले दो रहे हैं तो हम जितना इच्छा उतना ले सकते हैं, यहाँ पर एक नहीं बन रहा, मतलब एक ये टाइप है कि सी एल भी एक टाइप का है, दूसरा टाइप का OH है, वहाँ पर बैलेंस करके नहीं दिखाया जा रहा है. यहाँ पर ये H प्लस इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और H2 गैस में बदल जाएगा तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस. ध्यान दो आप नेचर बदल दिए, मोल्टेन से एक्वस कर दिए तो क्लोरीन और एक्वस मिल गया. यहाँ पर हम आपको नोट करके बताना चाहेंगे, इफ मोर देन वन कैटायन आर एनायन इज फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस देन आयन
इज डिस्चार्ज्ड, इज डिसाइडेड बाय डिस्चार्ज थ्योरी, डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, यहां पर क्या हो जाएगा, आयन विच हैज मिनिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल इज डिस्चार्ज फर्स्ट। विच हैज मैक्सिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल, मिनिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल इज डिस्चार्ज फर्स्ट। ये चीज जानते रहेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी है। इन केस ऑफ कैटायन, द कैटायन व्हिच हैज मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल बिलो इन सीरीज डिस्चार्ज फर्स्ट। वाइल इन केस ऑफ एनायन द एनायन which has maximum oxidation potential is discharged first, discharge first, oxidation potential of few anion are as follow। यहाँ पर एस ओ फोर डबल माइनस, एन ओ थ्री माइनस, एफ माइनस, ओ एच माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आयोडीन माइनस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये एक साथ, मान लो ये तीन आयन बन रहे हैं, ये एक साथ मान लो ये तीन आयन बने हुए हैं, ये चार भी ले लो, तो यहाँ पर ये आयोडीन डिस्चार्ज होगा, ये तीनों नहीं डिस्चार्ज होंगे। आयोडीन नहीं है तो बी आर डिस्चार्ज होगा, बी आर नहीं तो सी एल, सी एल भी नहीं तब ओ एच डिस्चार्ज होगा। यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दें, ये हो गया। अब हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा, वेरी डाइल्यूट तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पर हम लोग बात किए थे। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा और आगे चर्चा करें। हम लोग वेरी डाइल्यूट NaCl ले रहे हैं, वेरी डायलूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। यहाँ पर अब ध्यान दें, अब जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर NaCl एक्वस लेंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत ही डायलूट है इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पर ये Na प्लस और Cl माइनस, ये मान लिया जाएगा कि ये नेग्लेजिबल है ही नहीं, वेरी डायलूट है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये है ही नहीं है। तो जब Na प्लस और Cl माइनस को मान लेते हैं कि है ही नहीं, तो है क्या, फिर H प्लस है और OH माइनस है, तो यही OH माइनस डिस्चार्ज होगा, ये
ये एनोड और ये कैथोड ये, मतलब ये नोट पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन गैस हमें दिखाना था। यहाँ पर ओ टू गैस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। चलो अब यहाँ पर NaCl एक्वस इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोड, इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर NaCl इलेक्ट्रो, यहाँ पर Cl माइनस डिस्चार्ज होगा, Cl2 गैस बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सोडियम डिस्चार्ज होगा, और एक बार एम्स में पूछा गया था कि सोडियम क्यों डिस्चार्ज होता है, ये नहीं पूछा गया था कौन डिस्चार्ज होता है, पूछा ये गया था कि सोडियम क्यों डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर डिस्चार्ज पोटेंशियल, आप सोडियम प्लस इज लेस देन एच प्लस, तो यहाँ पर सोडियम प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल एच प्लस से कम है। चलो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4 एक्वस, यहाँ पर Na2SO4 एक्वस हो जाएगा, ये 2Na प्लस प्लस SO4 डबल माइनस एच प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4OH माइनस, क्योंकि OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2H2O प्लस O2 ये एनोड, ये कैथोड, यहाँ पर एनोड पर और कैथोड पर क्या मिला, एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन। एक मोल रिसीवर कहा जाए तो यहाँ पर 1:2:2 मोल, मास रेशियो तो 1 मोल मतलब 32 ग्राम, 2 मोल मतलब 4 ग्राम, तो यहाँ पर 8:1 ये मास रेशियो हो गया। ये एक क्वेश्चन क्या मिलेगा, मोल रेशियो क्या होगा, मास रेशियो, यहाँ अच्छा 4 फैराडे, ये 4 मोल, अगर ये सारी चीज़ मोल में कर दिया जाए तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 फैराडे,
तो यहाँ पर ये फोर फेराडे के द्वारा आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया है, यहाँ पर फोर फेराडे के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस किया है, तो ये ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1:2 है, मास रेशियो 8:1 है। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ये हो जाएगा 3 मोल है तो 22.4 67.2 लीटर ये हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लें 21, कॉपर सल्फेट 21 ले लें, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी पीछे भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही था, यहाँ पर भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था। आप हमेशा अगर इलेक्ट्रोड ना बताया जाए तो आप प्लेटिनम ही मानेंगे, जब इलेक्ट्रोड बदलना होगा तो बता दिया जाएगा कि हम इलेक्ट्रोड बदल रहे हैं, अदरवाइज आप प्लेटिनम ही मानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये कॉपर सल्फेट हम लोग ले रहे हैं 21, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर कॉपर डबल प्लस, SO4 डबल माइनस, H प्लस, यहाँ पर OH माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दो, कॉपर डबल प्लस है तो H प्लस है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो कॉपर डिस्चार्ज होगा 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कॉपर हो जाएगा कैथोड पे, और एनोड पे OH माइनस डिस्चार्ज होगा, मतलब ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। ये एनोड पे, यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक्वस, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जब कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा, अच्छा एक और चीज यहाँ पर थोड़ा सा बता दें, यहाँ पर ये कॉपर डिस्चार्ज हो गया और OH माइनस डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पर ये प्लस पढ़ने के कारण pH घटेगा, मतलब मीडियम एसिडिक हो जाएगा, यहाँ पर pH घटेगा, अगर pH पर पूछा जाए तो pH घटेगा। एक और चीज़ दिमाग से स्लिप कर गया, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर Cl- डिस्चार्ज हो गया है और हाँ Cl- डिस्चार्ज हो गया है और डिस्चार्ज क्या हो गया है, H+ डिस्चार्ज हो गया है, नहीं यहाँ पर तो OH- डिस्चार्ज हुआ है, यहाँ पर तो Cl- डिस्चार्ज हो गया है और क्या डिस्चार्ज हो गया है, H+ डिस्चार्ज हो गया है, यहाँ पर बचा है OH-, तो ये OH- बचने के कारण यहाँ पर pH बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है तो pH पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो pH बढ़ेगा, और एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है तो pH घटेगा, ये चीज़ मतलब ये हो जाएगा, इसको जानते रहेंगे। यहाँ पर ये, तो यहाँ पर कॉपर डबल प्लस ये कैथोड पर,
ये एनोड पर, एनोड विल डिजॉल्व। नोट करके इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोड in presence of same electrode, then anode will dissolve. And concentration of electrolyte कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल रिमेन सेम, जानते रहे भैया। कारण क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर जैसे मान लो ये एक एम एक लीटर था, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर कॉपर से कॉपर डबल प्लस यहाँ पर आने लगेगा, और जितना कॉपर डबल प्लस यहाँ पर आएगा ये इलेक्ट्रोलाइट से उतना पर जाकर यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जितना कॉपर यहाँ पर जाकर डिस्चार्ज हुआ कैथोड पर, उतना कॉपर एनोड से आ जाएगा। तो एनोड से जो पर जो कॉपर के एटम थे वो कॉपर डबल प्लस के रूप में इलेक्ट्रोलाइट में आने लगेंगे। तो धीरे धीरे करके एक एक एटम जब इलेक्ट्रोलाइट में जाने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कॉपर यहाँ राड पर कोई एटम नहीं रह जाएगा, तो फिर राड भी नहीं रह जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2 एक्वस लो करंट डेंसिटी तो यहाँ पर H2SO4 एक्वस यहाँ पर H प्लस SO4 डबल माइनस H प्लस OH माइनस, यहाँ पर OH माइनस डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए OH माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा लिखा गया था, और ये बदल जाएगा फाइनली ऑक्सीजन गैस में ये एनोड पर यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर 4H प्लस ले लें, ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2H2 कैथोड पे ये हो गया, यहाँ पर H2SO4 एक्वस एट हायर करंट डेंसिटी यहाँ पर देखें,
अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पर H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस यहाँ पर OH माइनस, यहाँ पर HSO4 माइनस डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर H प्लस HSO4 माइनस, यहाँ पर H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड, और यहाँ पर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन गैस कैथोड। ध्यान रखिएगा भैया, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल यहाँ पर ध्यान दें, व्हिच हैज टू बी प्यूरिफाई मेड एनोड, एनोड इम्प्योर होगा, वाइल कैथोड इज प्योर, कैथोड इज प्योर। तो जिस मेटल को प्यूरिफाई करना होगा वो एनोड बनाया जाएगा, और उसी मेटल का, सेम मेटल का प्योर कैथोड लिया जाएगा। यहां पर ध्यान दो, ये एनोड, ये इम्प्योर होगा, कैथोड ये प्योर होगा। यहां से मेटल निकलेगा, जैसे मान लो कॉपर है तो कॉपर डबल प्लस के रूप में आया, और यही कॉपर यहां पर कॉपर के रूप में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर ये कैथोड इम्प्योर होगा और उसी पर कॉपर जमा हो रहा, तो इम्प्योरिटी फिर आ जाएगी, इसलिए कॉपर मतलब ये कैथोड प्योर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो इम्प्योरिटी बचेगी वो कॉपर तो निकल के डिपॉजिट हो गया, इसको एनोडिक मड कहेंगे, एनोडिक मड या स्लज कहेंगे, SLUDGE स्लज कहेंगे। तो ये हो जाएगा दूसरा, इन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज करते हैं, मेटल ऑन व्हिच इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी डन मेड एनोड, मेड कैथोड, while metal of which electroplating
इज टू बी डन, मेट कैथोड, सॉरी मेट एनोड आर टेकन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. For example, NaAU CN whole twice and NaAg CN whole twice is used respectively for electroplating of gold and silver. तो आज हम लोगों ने ये देखा कि दो चीज देखा, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा कंसंट्रेशन सेल. पहला कंसंट्रेशन सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम लोगों ने देखा. आज हम लोग ये देख रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस में कि किसी इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि जो भी मिलेगा वो कितना मिलेगा. तो आज की बात हम लोग अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं भैया.